हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीतम। ग्राउंड मिस्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज ये वीडियो को बहुत जल्दी में बना रहा हूँ। तो हमारा जो जो जट भैया है, जट प्रभजोत, उनको तो सब पहचानते हैं। तो वो कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले, हायाबुसा खरीदे थे। तो वो हायाबुसा, अभी बात उठा है कि वो हायाबुसा शायद 2 नंबरी का बाइक है या कोई ग्रे मार्केट का बाइक है। तो मैंने वो वीडियो देखा और उनके ऊपर जो इंजाम लगाने वाले जो भाई थे, उनको भी मैं पहचानता हूँ, उनसे भी मेरा बात हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सब जो हो रहा है, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग का वजह है। और मेरे पापा खुद मोटरवे डिपार्टमेंट में ऑफिसर रह चुके हैं। तो कौन सा बाइक डुप्लीकेट है, कौन सा बाइक ग्रे मार्केट है, कौन सा नंबर डुप्लीकेट है, या कैसे चेकिंग करना है, ऑथेंटिसिटी कैसे देखना है और क्या नहीं देखना है, वगैरह वगैरह, सब कुछ मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। वैसे मैं ये सब पब्लिश नहीं करता, इतना शो ऑफ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं किसी को बताता नहीं। वीडियो में भी मैंने इससे पहले कभी मेंशन नहीं किया, फिर भी आज मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। तो ये जस्ट थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है ठीक तरह से। तो जट भैया, मतलब जट प्रभ जो बाइक लिया था उसका, वो पुरानी थी, हम लोग को पता है। तो हम लोग जो जट प्रभ जो का वीडियो देखते हैं, तो आपको ही पता है कि वो बाइक उसने सेकेंड हैंड खरीदी थी। तो कहाँ से खरीदी, क्या बाइक है, वो सब हम लोगों को पता नहीं है। तो एक हमारा एक मेरा जान पहचान का एक भाई है, यूट्यूब में मुलाकात हुआ था 2-3 दिन पहले। तो वो आज वीडियो डाला है, आज मतलब थर्ड में वीडियो डाला है कि वो भाई ग्रे मार्केट है। क्योंकि एक वीडियो में जट प्रभजोत पे, एक 2-3 दिन पहले का एक वीडियो में उसका बाइक का नंबर प्लेट दिख गया था। तो उस नंबर प्लेट में दिखा गया था। तो मैं नंबर प्लेट में जो नंबर है, जो वीडियो में जट प्रभजोत का हायाबुसा में जो नंबर प्लेट है, उस नंबर में जो नंबर दिखा रहा है, वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। पड़ेगा ले तो इसका नंबर देख लो आप। तो बात ये है कि ये नंबर उस बाइक का नहीं है, ये नंबर सही में बोला है वो उस भाई ने। उस भाई का नाम मैं शायद भूल गया हूँ, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। उस भाई के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। तो भाई ने एकदम ठीक कहा है कि वो नंबर एक गाड़ी का है, एक 4 व्हीलर का है, शायद टोयोटा का, टोयोटा का। तो हाँ, वो गाड़ी गाड़ी का ही नंबर है। तो बात मुद्दे का बात यह है कि वो नंबर जो जट प्रभजोत के बाइक के नंबर प्लेट में दिखाया है, सेकेंड हैंड डीलर से बाइक लिया है, तो वाकई में गलती हो ही सकता है। नया बाइक होता तो शायद ये बाइक गलती ना होता। जो नंबर प्लेट है वो बना गया है सेकेंड हैंड का, डीलर का जल्दी से बनाया गया है, तो गलती हो ही सकता है। लॉकडाउन से 1-2 दिन पहले का ही बात है, जो बाइक उसने लॉकडाउन से 2 दिन पहले की ही बात है जब वो बाइक लेकर आया था। तो जल्दी में ये गलती हर किसी से हो सकता है। तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा गलती हो सकता है, जो बहुत नॉर्मल है। जट भाई ने भी शायद सोचा नहीं होगा कि उस नंबर के वहाँ पे होने की वजह से इतना बात फैल जाएगा। तो जो भाई ने कॉम्प्लेन किया है कि ये गिरमाई का भाई है, उनका भी दोष नहीं है, वो भी चेक नहीं किया है। तो मेन बात यह है कि जट प्रभजोत के हायाबुसा में जो नंबर है वो ठीक नहीं है, वो गलती से 0210 के जगह 0120 हो गया है, ये गलती हो ही सकता है। तो जट भाई जानते थे शायद 2-3 दिन पहले, भाई को तो ये बात पता ही होगा। और लॉकडाउन खुलने के बाद वो शायद नंबर प्लेट चेंज भी कर देते, ये होना ही चाहिए कि वो बाइक खरीदा है तो बाइक उनका ही नाम पे होगा, और नंबर प्लेट भी सही लगवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बीच में लॉकडाउन होने की वजह से वो उतना टाइम उनको नहीं मिला, वो नंबर सही तरह, वो नंबर प्लेट सही करके सही तरह से लगा सके, और खुद के नाम पे रजिस्टर, इंश्योरेंस वगैरह, ऑल पेपर्स अप टू डेट करवा सके, उतना टाइम उनको नहीं मिला। और वो कैजुअली इस चीज़ को हैंडल किया, इसीलिए कि ये बात बड़ी, उतना बड़ी बात नहीं है, ये जट भाई ने सोचा था और इसलिए वो इसका जिक्र नहीं किया है। लेकिन इसके साथ मेरा बात हो चुका है यूट्यूब पे। वो भाई ने जो पॉइंट देखा कि वो नंबर, हाँ वो नंबर गलत है, लेकिन मेन बात मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि एक बाइक का नंबर प्लेट में ही उसका परिचय सिर्फ छुपा नहीं होता, उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी चेक करना पड़ता है। अगर बाइक का नंबर देख के आपको डाउट हो रहा है कि वो नंबर ठीक नहीं है, तो उस नंबर, अगर आपको मालूम हो रहा है कि वो नंबर किसी और गाड़ी का है और वो बाइक ग्रे मार्केट है, बाइक व गाड़ी कोई भी हो, ग्रे मार्केट आपको लग रहा है उस नंबर को देखकर, और अगर आप बाहन के वेबसाइट में सर्च करके देखते हैं कि वो गाड़ी किसी और, वो नंबर जो आप सर्च कर रहे हैं, वो नंबर किसी और गाड़ी के नाम पे रजिस्टर है, तो सिर्फ नंबर पे मत जाइए। उस जिस गाड़ी को आप ग्रे मार्केट समझ रहे हैं, उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी चेक कीजिए।
और उसके पास टैली कीजिए इंजन नंबर, चेसिस नंबर, और वो जो ओरिजिनल गाड़ी का नंबर शो कर रहा है वाहन के वेबसाइट में, उसका इंजन नंबर चेसिस नंबर क्या इस गाड़ी का इंजन नंबर चेसिस नंबर से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आपको ये सब इंजन नंबर चेसिस नंबर भी चेक करना पड़ेगा। जो एक गाड़ी का ओरिजिनल आइडेंटिटी होता है, वो अगर उस नंबर से मैच नहीं होता तो वो ग्रे मार्केट बाइक नहीं है। शायद नंबर प्लेट तो कोई भी चेंज कर सकता है, उसके हिसाब से हम एक बाइक को जज नहीं कर सकते। पहले ठीक तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, ठीक तरह से जांच करनी चाहिए हर चीज़ का, तो मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही कोई कमेंट करना चाहिए। तो मैं ये दोनों की वीडियो ही देखा और मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं ये वीडियो बन रहा हूँ, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो छोटा सा ही मामला है, बहुत बड़ा नहीं है, कोई भी गाड़ी आप चेक कर सकते हैं उसका नंबर वाहन के वेबसाइट में देखे, लेकिन वो नंबर ही अगर गलत है तो गलत रिजल्ट ही निकलेगा। तो अगर मैं किसी गाड़ी का नंबर गलती से लिख देता हूँ और आप उसे चेक करके देखते हैं, अगर किसी बाइक पे मैं नंबर ही गलत नंबर प्लेट लगा के रखता हूँ और वो नंबर प्लेट आप वाहन के वेबसाइट में चेक करके देखते हैं कि वो नंबर किसी और गाड़ी के नाम पे रजिस्टर है, तो आपको शायद लग सकता है कि ये गाड़ी ग्रे मार्केट बाइक है, लेकिन ऐसा नहीं है। चेक करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, इंजन नंबर चेसिस नंबर नंबर के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, तो उसके बाद ही आप पता लगा सकते हैं कि ये नंबर किसके नाम पे है और क्या है, कहाँ का बाइक है, कौन से कैटेगरी में आता है, और वगैरह वगैरह। और जट प्रभजोत का मैं बहुत पहले से ही फैन हूँ, बहुत हर वीडियो मैं देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। तो लॉकडाउन खुलने दीजिए, बात सेटल होने दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। तो दिस इज प्रीतम। वीडियो में अगर कुछ भी नहीं था, जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना था, मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए इसलिए बना रहा हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, बने रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, इन्फॉर्मेशन कोई भी आप पाते हैं तो उसे चेक कर लीजिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही कुछ कमेंट कीजिए। तो ये इसे नेगेटिविटी नहीं बोल सकते, ये जस्ट ए मैटर ऑफ स्टैंड पॉइंट है अलग अलग हम लोगों का। कोई आपका सोचने का नज़रिया अगर चेंज हो जाए तो सब कुछ चेंज हो सकता है। तो थोड़ा सा नज़रिया चेंज करके देखिए, हर चीज सिचुएशन को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है हर इंसान का। तो नज़रिया ऐसा करिए कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है, कोशिश कीजिए पॉजिटिव साइड को देखने की। इट जस्ट ए मैटर ऑफ थिंकिंग, एंगल ऑफ व्यू, देखने का नज़रिया चेंज करिएगा तो बहुत बुरे चीज़ में भी आपको अच्छा ही नज़र आने लग जाएगी। जट प्रभजोत का एक फ़ैन होने के नाते, और सिर्फ फैन होना मतलब ये नहीं कि मैं उनके अगर वो कुछ गलत बोले तो वो गलत को मैं सपोर्ट करूंगा, ये नहीं, जो सही है तो सही है। तो मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। तो जट भाई का वीडियो देख के मुझे लगा कि मेरा भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं वही किया हूँ। तो अच्छा रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, एंड यस जट प्रभजोत अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोलना चाहूँगा कि हैप्पी बर्थडे टू योर सिस्टर, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।